नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं अमन मिश्रा फिर अपने YouTube चैनल पेट सोहा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्द ही आपसे एक नए रेसिपी के साथ मिलूंगा, तो आज हम लोग फिश फ्राई करेंगे। फिश फ्राई तो देखिए आजकल बहुत ट्रेडिशन में चला हुआ है और हमेशा चला आता है, लेकिन हम लोग कुछ इसमें अलग कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। जैसे कि आज हम लोग लहसुन का पेस्ट और सरसों का पेस्ट मिला के इसको हम लोग तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे, और साथ में ओरिगेनो जो है आपका सीड्स उसके साथ हम लोग सर्व करेंगे विथ मेयोनीज चीज़, ताकि आप लोग को इसको कुछ अलग डिफरेंट मिले, टेस्ट अच्छा मिले खाने में, आप लोग को कुछ अलग लगे कि हाँ आज मैंने कुछ आपके लिए अलग किया है। और दोस्तों एक फिर एक शिकायत है आपसे दोस्तों, ये चैनल मैंने किसके लिए शुरू किया? आप लोगों के लिए शुरू किया है, और आप ही लोग इसको लाइक शेयर कमेंट अगर नहीं देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये कारवा तो फिर तो सब ये थम सा जाएगा। तो सब कुछ है आप ही के लिए, मैं जो इतना कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कोई मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आपसे फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश है दोस्तों कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर दीजिए दोस्तों। जैसा कि अब मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों आपके लिए, तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने अभी मार्केट से फ्रेश 1 kg रोहू फिश खरीद कर लाया है, एकदम ही फ्रेश है। आप देख सकते हैं एकदम किसी भी तरह के, ये प्रिजर्वेशन के लिए जो बहुत कोई देखते हैं कि आइस में रखते हैं वो बहुत ही ख़राब रहता है, 3-4 दिनों का रहता है। ये आज का लाया हुआ फ्रेश फिश है, तो रोहू 1 kg है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखो, देख लीजिए आप, हम लोग धो लिया है, इसे जितने भी ब्लड और गंदगी थी सब यहाँ पर हम लोगों ने साफ़ कर दिया है, और ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। अब बाकी के रेसिपी जैसे अब हम लोग फ्राई करने का इसको स्टार्ट करेंगे, तो अब जैसे जैसे वीडियो बनता है साथ में रहिए आप लोग, देखिए कैसे हम लोग नए डिश को ईजाद कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जैसे कि हम लोग यहाँ फ्रेश इसको धो के हम लोग ने ले आया हुआ है, सब साफ़ किया हुआ है। और आज जो हम मैंने आपको बोला था जो एक नया डिस्कवर, ये जो पेस्ट है इसमें हम लोगों ने लहसुन डाला है, इसमें सरसों भी डाला हुआ है, हल्का मिर्चा भी है टेस्ट के लिए, और हल्का नमक और सरसों तेल देके ये पेस्ट बनाया गया है। आप लोग तो देखते हैं जैसे कि एक जो फ्राई होता है फिश वो नॉर्मली लेते हैं हल्दी और नमक डाल के वो फ्राई कर देते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था कि हम लोग कुछ अलग करेंगे, तो ये अलग में यही है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हार्डली जैसे 1 kg जो मछली हम लोग ने लाया है आज, तो इसमें 2 कली बड़े बड़े लहसुन का है, इसमें 4 चम्मच हम लोग ने पीला सरसों लिया हुआ है, इसमें नमक स्वाद अनुसार हल्का सा डाला हुआ है, सरसों तेल है, और अदरक की 1 कली ये डाल के हम लोगों ने ये ग्राइंड कर लिया है, ये पेस्ट बन गया। अब ये पेस्ट को भी हम लोग इसी में करके अच्छा से इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। देख लीजिए सब उसमें हम लोगों ने डाल दिया, ये हो गया, ये अच्छे से हो गया। कुछ देर के लिए मैरिनेट करने के लिए हम लोग 10 से 12 मिनट इसको छोड़ देंगे, 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब ये है हल्दी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, ये 1 kg मैंने रोहू मछली लाया हुआ है मार्केट से, तो इसके लिए हार्डली आप लोग 1 चम्मच दिए, 2 चम्मच और ये 2.5 चम्मच काफ़ी है, 2.5 चम्मच हल्दी दे दिए और नमक 1 चम्मच, 2 से 2.5 से थोड़ा कम, ये देख के हम लोग ऐसे मिला के इसको देख रहे हैं ना दोस्तों कैसा है। इसमें अलग हम लोग आज इसमें हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में भी मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, सभी कोई को पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं इस तरीके का। देखिए अच्छी तरीके से ये मिल गए हैं, देखिए अच्छे से सब पूरे में घुस गया है जो हम लोग पेस्ट बनाए हैं वो। अब इसको हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए इसको ऐसे करके इसको ऐसे ढक देंगे, फिर हम लोग मिलते हैं 15 मिनट के बाद जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि आपने मैंने बोला था 15 से 20 मिनट हम लोग इस मैरिनेट करने के लिए जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था, लहसुन अदरक मिर्च सरसों का पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया था वो पेस्ट में हम लोगों ने इसे 20 मिनट छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से पूरी तरह से देखिए मैरिनेट हो गए हैं, और इसमें जो भी पेस्ट के जो भी इंग्रेडिएंट थे पूरी तरह से अंदर चले गए हैं। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों?
दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कढ़ाई गर्म हो गया। अब हम लोग इसमें से सरसों के तेल, कच्ची घानी का सरसों तेल हम लोग इसमें डालेंगे। सहयोगी को मैं बोलूँगा तेल डालने के लिए, डालिए धीरे धीरे। कच्ची घानी का सरसों तेल है 1 किलो, जैसे हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने 1 kg फिश लिया हुआ है, तो इसमें 250 ग्राम तेल हम लोग कच्चे घानी का डालेंगे। डालते जाइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तेल अच्छी तरीके से पूरे गर्म हो गया है। अब इसमें मैं फिश डालूंगा मैरिनेट किया हुआ। देखिए बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया था तेल। कितनी सौंधी सौंधी महक आ रही है दोस्तों। देखिए प्योर कच्ची घानी का ये सरसों तेल है। ये घर पे ही हम लोग बनाते हैं, बनवाते हैं। सरसों होते हैं हम लोग खेतों में, और हम लोग उसको फिर अच्छे से बनवा के पिसवा के हम लोग लाते हैं कच्चे घानी का सरसों तेल। घर का है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा झांस है इसमें। प्योर तेल, सौंधी सौंधी महक भी आ रही है। पूरे फिश भी अच्छे तरीके से पूरा फ्राई हो रहा है, देख लीजिए दोस्तों। फिश फ्राई में हमेशा दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे फिश डालिएगा इसमें उसको हल्के हल्के कुछ कुछ एक एक मिनट में चलाते रहिए, पलटते रहिएगा, ताकि सब तरह से हर साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए दोस्तों ये पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, डीप ब्राउन हो गया है, ये आप देख सकते हैं सब तरफ से। अब इसको हम लोग निकाल रहे हैं और अच्छे से ये जो पत्ता है, ये पत्ता में हम लोग इसको अच्छे से रखेंगे। दोस्तों ये जो पत्ता है, ये मैं बता दूँ किस चीज़ का पत्ता है, इसे एलिफेंट फुट लीव्स बोलते हैं, और घर में ऐसे इसको बोला जाता है, गांव की भाषा में इसे सारू बोला जाता है, ऐसे एलिफेंट फुट बोला जाता है इसे। देखिए पूरे अच्छे तरीके से सब तरफ से ये डीप फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये पूरा फ्राई हो गया है, देखिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं जो फिश फ्राई था विथ गार्लिक और अदरक पेस्ट जो हम लोग ने, और सरसों के पेस्ट से जो तैयार किया था, वो बन गया है। अब ये जैसे कि हम लोग ने इसमें सीजनिंग किया है पूरा सैलेड के साथ में। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ जो फ्राई किया उसके ऊपर मैंने ओरिगेनो सीड्स, देखिए मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं ओरिगेनो सीड्स मैंने दिया है। साथ में ये मेयोनीज चीज़ है, ये गार्लिक और चिल्ली पेस्ट है, ये ककम्बर और रेडिश सॉस है जो जिसमें हम लोग सैंडविच में भी स्प्रेड करते हैं वो है। साथ में ओनियन भी दिया हुआ है, नींबू है, खीरा है, सब कुछ करके हम लोगों ने सीजनिंग किया है सैलेड के साथ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को केक पीस खा के बताता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको हल्का से काट कर ये देखता हूँ, एकदम पूरे अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों पूरा फ्राई हो गया है। अब ये मेयोनीज चीज़ के साथ, गार्लिक पेस्ट और ककम्बर और रेडिश सॉस के साथ मैं इसे खा के देखता हूँ। एक नंबर दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हुआ है। और जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था गार्लिक और अदरक पेस्ट जो था, और सरसों के पेस्ट, उसमें बहुत ही अच्छा इसमें एक महक आ रही है, गजब अच्छा एक टेस्ट इसमें मिला हुआ है, सौंधी सौंधी महक के साथ हम लोग को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों प्लीज़ से घर में आप लोग ट्राई करेंगे, जैसे मैंने बताया बस उसी तरह फ्राई कीजिए, उसी तरह से सब कुछ कीजिए पेस्ट बना के। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।